बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बिंदुखत्ता संघर्ष समिति ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। सरकार को ज्ञापन भेज हाथी कॉरिडोर को विनिरस्त करने की मांग की। हल्द्वानी विधायक सुमित हदवेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल, भाकपा माले नेता इंद्रेश मुखेरी के नेतृत्व में बिंदुखत्ता संघर्ष समिति ने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम परितोष वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज बिंदुखत्ता के सभी हाथी कॉरिडोरों को निरस्त करने की मांग की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यहां पहुंचे कांग्रेस के तीनों विधायक विधानसभा में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग प्रस्ताव को विधानसभा में रखेंगे। हम भी 27 फरवरी को विधानसभा के बाहर इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम भी इनके हुंकार के साथ इनकी तारीख होने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वो बिंदुखत्ता को जो अवैध कब्जे घोषित किया गया है उस कागज को फाड़े और उसके लिए क्षमा मांगे राज्य के बिंदुखत्ता के लोगों से और दूसरे खत्ते गोटू के लोगों से। और हमने दो जिम्मेदारियां अपने उसे ली हैं। एक तो हमारे जो विधायक यहाँ आए थे दोनों, ये लोग जो है विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाएंगे कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए। गांव बनाने की मांग दशकों से चली आ रही है। लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनको जमीन का मालिकाना हक मिले और लगातार इस बात की उपेक्षा हो। अब ये जो डबल इंजन की सरकार आई है जिसको कि एक दशक पूरा होने को है और जिसने लोगों को आश्वासन दिया कि जो कुछ सिंगल इंजनों से नहीं हो पा रहा है वो दिल्ली का और देहरादून का इंजन मिल जाएगा तो सब होगा, लेकिन आज के दिन पर लोगों बरसों से वन भूमि में बसे हुए लोगों को उजाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लोगों में धर्म के आधार पर फूट डाल करके उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने वन ग्रामों में बसे हुए लोग, वनवासी लोग हैं, खत्तों में बसे हुए लोग हैं या नजूल की ज़मीन पर भी बसे हुए जो लोग हैं, जो दशकों से उस पर बसे हुए हैं, तो उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, उनको भूमि का मालिकाना हक मिलना चाहिए। और ये जो धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश है, असल में ये किसी धर्म के खिलाफ की बात नहीं है, यह गरीब विरोधी अभियान है। और इस अभियान के जरिए जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, राज्य में बैठी हुई सरकार है, उसकी जंगलों की बेशकीमती ज़मीन पर नज़र है, उसकी नजूल भूमि की जो बेशकीमती ज़मीन है उस पर नज़र है, और यहाँ तक कि कैंटोनमेंट की ज़मीनों पर भी उस सरकार की नज़र है, फौज के कैंटोनमेंट में जो ज़मीन है। तो ये जो ज़मीन हड़पने का खेल है और उसके लिए जो बुलडोज़र पराक्रम ये सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि लोगों को बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिले। यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है झूठ का पुलिंदा लेके आगे बढ़ रही है और ये झूठ बूट की सरकार है, ये झूठ बोलने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। इसी हल्द्वानी में कहीं भी देखिए आप, आज तक इन्होंने 438 कितनी घोषणाएं की थी जो कि मीडिया के अंदर ही पेपर से आता है और सामने आता है, आज तक उसमें से 3-4 घोषणाएं पूरी हुई हैं। ऐसे ही बिंदुखत्ता में बार बार इनको राजस्व गांव के लिए बार बार इनको ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। इसलिए आज हमें पुनः फिर इस कार्रवाई को करना पड़ा, जिससे सरकार सोई हुई सरकार को जगा रहे हैं। बिंदुखत्ता एक बड़ा गांव है जहां कुमाऊं मंडल के लगभग सभी क्षेत्रों के लोग आकर पिछले 50-60 साल से बसे हुए हैं और उनकी मांग है कि इसे राजस्व गांव बनाया जाए। भाजपा चुनाव के टाइम पे तो आती है डबल इंजन का सरकार है, कहती है हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो मंत्री भी हैं, पिछली बार भी यहाँ से सांसद जो थे वो जो है केंद्र में उन्हीं की सरकार थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।